नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया से रिलेटेड। जी हाँ भाई, सऊदी अरबियों को अब भाई अभी लेटेस्ट में बता दूँ 10 लाख लोगों को निकाला है। जी हाँ, अब निकालने की प्रक्रिया क्या है, सऊदी सरकार क्यों निकाल रही है, 2017 से लेकर 2021 तक अगर बात करें 5 सालों की, तो बता दूँ 5.6 मिलियन यानी आप समझ सकते हैं 56 लाख लोगों को उल्लंघन करता है पाए गए हैं, जिनमें से बता दूं 15 लाख लोगों को वापस भेजा जा चुका है पिछले 5 सालों के दौरान में। ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई, किन लोगों को वापस उनके देश भेजा जा रहा है, लाइफ टाइम ब्लैकलिस्ट करके जेलों में डाला जा रहा है, ठीक है जी, और उनको दंड दिया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, वापस इंडिया से भेजा जा रहा है, अलग अलग देशों के लोग हैं सबको भेजा जा रहा है, ये क्यों चक्कर, क्या चक्कर पड़ रहा है, सऊदी सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि इन लोगों को पकड़ पकड़ के वापस डाला जा रहा है। और 5 साल को ज़्यादा लंबा समय नहीं होता है, 56 लाख गलत लोग पाए गए हैं जांच के दौरान। जी हाँ, इसमें हम आगे बात करेंगे कि भाई कौन सा इस सरकार की मंशा क्या है, इन लोगों को क्यों निकाला गया है। आप लोगों को भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, आप जैसे लोगों की सरकार अगर बोले तो ज़रूरत नहीं है, सच्चाई की बात यह है। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लें। देखिए, पिछले टाइम में 15 लाख लोगों को वापस भेजा गया और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, सऊदी का मानव संसाधन मंत्रालय है, सामाजिक विकास संगठन है, पासपोर्ट से समस्या से रिलेटेड जो निदेशालय है जिसको जवाजात बोल सकते हैं, इनके सहित लगभग 20 संगठन मान लीजिए या संस्था मान लीजिए या उनके जो मंत्रिमंडल है, 20 मंत्रिमंडल मिलके ये भयंकर तरीके से एक रूल और रेगुलेशन चला रहे हैं कि इनको सबको पकड़ो, जोर लगाया रखा है ज़बरदस्त तरीके से और सबको बाहर कर दो। जी हाँ, 5.6 मिलियन, 56 लाख लोग कम नहीं होते भाई, उनको पकड़ा गया है। बता दूँ उनमें से 4.5 लाख लोग तो वो थे जो रेजिडेंशियल थे, कानूनों का उल्लंघन किया गया, प्रवासी जो वीज़ा धारक जिसको बोलते थे परमिट वीज़ा से रिलेटेड थे, 4.5 लाख लोगों को उनकी कंट्री वापस निकाल दिया गया। जी हाँ, 8 लाख लोग वो थे जो श्रम कानून यानी लेबर लॉ से रिलेटेड थे, जिन्होंने लेबर लॉ कानून का सदुपयोग नहीं किया, उल्लंघन किया, 8 लाख लोगों को उनको निकाला गया। 5 लाख लोग वो थे जो सऊदी की जो सीमा सुरक्षा है व्यवस्था उसका उल्लंघन किया गया, यानी घुसपैठ आप मान सकते हैं या सीमा से रिलेटेड कुछ छेड़खानी करते हुए कुछ भी गलत काम किया तो उनको दंडित करके निकाला गया। 1 लाख प्लस वो लोग थे जो घुसपैठिए थे, सऊदी में ज़बरदस्ती घुस गए, इथोपियाई लोग हैं, यमनी हैं या अन्य कोई भी कंट्री के लोग हैं, इराकी वगैरह, ईरानी वगैरह, उनको 1 लाख लोग थे, उनको वापस पकड़ के उनकी देश भेजा गया। जी हाँ, सऊदी के लोकल लोगों को भी नहीं छोड़ा भाई, 3,000 सऊदी के लोकल लोगों को भी पकड़ लिया गया। जी हाँ, 8,000 अवैध प्रवासी थे जिनके पास वीज़ा वगैरह नहीं था, उनको पकड़ा गया। हालांकि सऊदी के लोकल लोग थे, उनको तो छोड़ना ही था, पूछताछ करके उनको वापस छोड़ दिया। जी हाँ, बाकी बता दूं 50,000 लोगों को जेल भेजा गया, जिन्होंने कोई क्राइम किए थे अलग अलग तरीके के, उनको जेल में डाल दिया गया, जिसमें 4,000 महिलाएँ थी उनको भी जेल में डाल दिया गया। जी हाँ, 7 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने थोड़ी बहुत गलती की, हालांकि गलती दूसरे की थी, उनका सपोर्ट था, उनका सहयोग था, इन वजह से थोड़ा दंड उनको दिया गया 7 लाख लोगों को। जी हाँ, और 15 लाख लोगों को वापस उनके देश भेज दिया गया। जी हाँ, 15 लाख भाई कम नहीं होते सालों में, तो ये सऊदी का गणित है। और सऊदी का भाई मेन फंडा 2030 से पहले एकदम क्लीन करके फालतू के लोगों को वापस निकालना, जो वहाँ जाके पड़े हैं, बैठे हैं, जो इनलीगल एक्टिविटी में शामिल हैं, उनको वापस करके पूरा सफाई करना, क्लीन करना। आप देख रहे हैं 15 लाख लोगों को वापस भेज दिया, लोगों को जेल में डाल दिया, वीज़ा वगैरह बंद कर रखे हैं पिछले 1.5 साल से, आपने देख ही रहो क्या स्थिति है। जो लोग लाखों की संख्या में छुट्टी आए बैठे थे उनको भी वापस नहीं बुलाया। तो कहने का मतलब क्लीन सऊदी चल रहा है एक तरीके से, पूरा टोटल खलास करेंगे, नए नियम चल रहे हैं, नियम और रेगुलेशन लेबर लॉ से रिलेटेड मैंने बताया कि वो एग्ज़ाम से रिलेटेड नियम बनाए जा रहे हैं, अच्छी जॉबों पर सऊदी के लोगों को रखा जाएगा, ये एक इसी चीज़ का हिस्सा है, ताकि पूरा कचरा पट्टी निकाल के अच्छी अच्छी चीज़ें रखेंगे, ये समझ सकते हैं आप। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी भाई, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।